9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ फिजा कासम। बीजेपी सरकार चुनाव को देखते हुए हर राज्य में अपनी पकड़ बनाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के दौरे किया। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो क्या है कांग्रेस नेता कुमारस्वामी का गृह मंत्री को लेकर दिया बयान, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में है। वो शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे थे। शनिवार शाम को अमित शाह ने शिवमोगा जिले के आरएसएफ यूनिट की आधारशिला रखी। हालांकि अब इस फाउंडेशन पैनल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को शिवमोगा के भद्रावती में आरएसएफ यूनिट की आधारशिला रखी। फाउंडेशन पैनल हिंदी और अंग्रेजी में है। यहाँ पर कन्नड़ भाषा के प्रति उपेक्षा साफ तौर पर प्रतीत होती है। उन्होंने आगे कहा कि विविधता से भरे भारत में त्रिभाषी सूत्र को अपनाते हुए संबंधित राज्य की भाषा का सम्मान करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। गृह मंत्री की ओर से त्रिभाषा सूत्र की अवहेलना कन्नड़ भाषा और कन्नड़ लोगों के लिए अपमानजनक है। कुमार स्वामी ने आगे लिखा कि ये कन्नड़ के लोगों के लिए बेहद अपमानजनक है। जो जमीन दी गई है वो कन्नड़ भूमि है। ऐसे में गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि कन्नड़ भाषा की उपेक्षा क्यों की गई है। ऐसा शख्स जो जमीन और भाषा की रक्षा नहीं कर सकता वो यहाँ शासन नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने कन्नड़ लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इससे पहले अमित शाह ने शिवमोगा में भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर का भूमि पूजन किया। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे। बटालियन सेंटर की शुरुआत करते हुए शाह ने कहा कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स की 97वीं बटालियन का यहाँ शिलान्यास हुआ है। 230 करोड़ की लागत से यहाँ निर्माण कार्य होगा। प्रशासनिक भवन, निवास केंद्र, अस्पताल और केंद्रीय स्कूल, साथ ही खेलकूद के स्टेडियम यहाँ खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 97वीं बटालियन के मुख्यालय के लिए कर्नाटक सरकार ने 50.29 एकड़ जमीन आवंटित की है। अमित शाह का ये कर्नाटक दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में बीएस येदियुरप्पा सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर विवाद चल रहा है। कर्नाटक में येदियुरप्पा कैबिनेट में फेरबदल का विरोध खुद पार्टी के ही विधायक कर रहे हैं। इन विधायकों का आरोप है कि जो भी पैसा देता है या ब्लैकमेल करता है उसे कैबिनेट में जगह मिल जाती है। विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने इसकी शिकायत लेकर दिल्ली तक पहुंच गए। वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के राजनीतिक सचिव भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह कर्नाटक में बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, जिसमें इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि कर्नाटक की राजनीति में क्या अमित शाह के दौरे के बाद स्थितियां सामान्य हो पाएंगी या नहीं, और कुमारस्वामी की ओर से दिए बयान पर बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 News।